Though I'm not expecting very much from this engine, being very honest. Hey guys, welcome back to our vlog. And today it's something special. I haven't told anyone in my YouTube family that we are up for tuning in Uttarakhand also now. So we are the dealer of E-Tuners Greece in Uttarakhand. We have all the authority that everyone in E-Tuners are having right now. So this is our car which we're gonna tune. This is the Ford EcoSport 1.5 TDCi, and we are straight away heading towards a workshop which is Sri Shanidev Motors, located near Amar Ujala, Rudrapur Road, Haldwani. So everyone is aware about Haldwani. वहाँ पे we'll do everything. अभी हम गाड़ी चला भी इसी ले रहे हैं. The owner just gave us the keys and went saying कि भाई आप लोग करा लो जो जो करना है. The main problem which we are facing here is people aren't aware about what ECU tuning is. So if anyone here who's watching it, he's also confused about ECU tuning, do let me know in the comment section below. We'll give a brief over ECU tuning on our another video. So abhi to filhal this car is getting a stage 1 tune. So the first impression of this car is it has very laggy engine. Second gear, the AC is at 18. Giving it beans, it is not ready to roll until and unless it's in the turbo range. So we'll figure it out somewhere or the other in our map. We'll update you soon. आज हमारे गैराज में लाइट नहीं थी, so we are here. मैं घर के बाहर ही बैठ कर गाड़ी ट्यून कर रहा हूँ. उसका अभी तो फिलहाल हमने ECU अनपिन कर लिया है, अब इसको निकाल करके ट्यून करते हैं. प्लस तुम्हारा भाई थोड़ा एक्सपर्ट ज़्यादा है ना भाई, तो देख रहे हो बिना निकाले सारी तारे अंदर सेट कर रखी है. बाकी हेल्पर है मेरे पास. दिस इज ऑलरेडी डन. वी हैव रेड इट, वी हैव रेड द फाइल, वी हैव सेंट इट, एंड वी आर वेटिंग फॉर द न्यू फाइल दैट विल बी अपलोडेड सुपर सून. उसमें डालते ही ये गाड़ी होने वाली रॉकेट. एंड प्लस 5 HP फॉर माय स्टिकर. दो लगाऊंगे तो प्लस 10 HP और 50 Nm टॉर्क. जस्ट किडिंग, एवरीबॉडी नोस 50 HP और वो कहाँ से शुरू हुआ है. एंड वी आर ऑलमोस्ट गुड टू गो. फिर मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो जैसे ही होता है फिर अपन निकल रहे हैं. एंड यस, कार नीड 70-100 किलोमीटर्स टू अडेप्ट विद द ECU फॉर द 100% रिजल्ट. 80% तो अभी मिल जाएगा हाथों हाथ, बाकी बचा हुआ 20% आफ्टर 100 किलोमीटर्स. सो लेट्स सी. मेरे को भी अपना फर्स्ट इंप्रेशन देखना है इस गाड़ी पे. इट वॉज काइंड ऑफ डेड इन लो एंड, तो देखते हैं. तो ये हमारी प्रोसेस चल रही है अभी राइड करने की. सो वी हैव रिटन द न्यू फाइल एंड वील टेस्ट इट इन अप्रॉक्सीमेटली 5 minutes. So we are ready to go. 36% हो गया है सर. और ऐसे में पता है ज़्यादा जल्दी राइड करता है कम्पेयर टू OBD, ऐसा मुझे लगा. बाकी पता नहीं भाई सच्चाई क्या है. तो भाई देखो गाड़ी हो गई पूरी पैक. ये देखो अब इसको स्टार्ट करते हैं. फिंगर्स क्रॉस. लक्ष्य स्टार्ट करियो गाड़ी को. जय महाकाल. चलो अब लेते हैं गाड़ी की ड्राइव और निकलते हैं. तो भाई जो सबसे पहला इंप्रेशन था मेरा आफ्टर द ट्यून वॉज कि मेरे को तो लगा कि भाई कार की साउंड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. लक्ष्य तुझे क्या लगता है भाई? साउंड में तो है, अभी चला के देखें. पहले तेरे को याद है नॉकिंग कितनी कर रही थी? कट 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 कट. मेरे को नहीं पता अफोर्ड करता ही नहीं करता है, बट ये कर रही थी. हमारे राजा जी को देखो यार, तुम भयंकर स्प्लेंडर का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं भैया. बाप रे बाप, 100 CC की गाड़ी में 1000 किलो माल भर के लगे हैं. तो देखो हमने स्टॉक ड्रैगी फिगर्स भी लिए थे, ठीक है. दो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी मच फ्रॉम दिस इंजन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं कि ये इंजन जैसे आप 1.5 TDI है. एवरीबडी नोज इट गोज फ्रॉम 90 HP टू 135 HP ऑन अ स्टेज 1 मैप. इससे बहुत ज़्यादा मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट नो हाउ मच दिस इंजन इज केपेबल ऑफ. बट मैं अभी स्टॉक ड्रैगी फिगर्स भी डालूंगा, फिर स्टेज 1 ड्रैगी फिगर्स भी डालूंगा इस गाड़ी के. नथिंग हैज़ बीन डन, nothing has been changed. It is only software which has been changed on E-Tuners Greece. Let's see what happens. Bhai, this is unbelievable. मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई. मेरी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है उस चीज़ को बताने के लिए. मैं मेरी एक्सपेक्टेशन बीइंग वेरी ऑनेस्ट स्टेज 1 से बहुत ज़्यादा होती नहीं है, ठीक है. तो मेरे को ये था कि अराउंड 13.15 से 12.8-12.6 आ जाएगी, बट फ्रीकिंग कितनी है
13.15 से 10.59 भाई, बट तुम समझ रहे हो 13.15 आया था पहले 0 to 100 और अब वो आ गया 10.59। शब्द नहीं है भाई शीज को बोलने के लिए मेरे पास कि ऐसा कैसे भाई ढाई एग्जैक्टली ढाई सेकंड। मैं यही बोल रहा था कि मैक्सिमम मैं सोच रहा था शीज को अराउंड 11.5 तक मेरे को थी उम्मीद कि 11.5 11.3 अगर बहुत अच्छा रन मार लिया तो, बट जब बहुत अच्छा रन मारा तो भाई 10.5 तो रह ही रहा है। एक बार में शायद और थोड़ा कम आया था मुझे याद नहीं है, बट 10.5 तो रहा ही भाई, ऑलमोस्ट दो ढाई सेकंड उड़ा दिए भाई सीधा सीधा 0 to 100 में। एंड इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग योर कार ट्यून्ड इन नॉर्थ इंडिया एनी वेयर जस्ट डीएम अस, वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। So if you guys wanna get your car tuned in North India, hit us up on our Instagram. That's tuneindia.uk. Link description में जा चुका है, वहाँ देख लो। और जिसने मुझे Instagram में follow नहीं किया उसका link भी description में जा चुका है, that's named as Dragstar Moto Vlogs. And if you guys are enjoying my video, do hit the subscribe button, comment करके जरूर कुछ ना कुछ मेरा मनोबल बढ़ा देना, it would be very much helpful for me. So Dragstar signing off. See you in the next vlog. Bye bye.